स्वागत है दोस्तों इस नए वीडियो में। इस नए वीडियो में हम चर्चा करेंगे अलग तरह की टॉपिक का। हाल ही में एक चीज देखने के लिए मिला है कि डोमिनोज, जिसके पिज्जे आप बहुत खाते हैं, पिज्जा हट, मारुति हुंडई मारुति और KFC, ये सारे पॉपुलर ब्रांड्स ना केवल दुनिया में है बल्कि भारत में भी बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है और इनके मार्केट बहुत ज्यादा भारत में है और बहुत बड़े लेवल पे इनका मार्केट है। तो इन सभी के पाकिस्तान हैंडल पे या अन्य अलग अलग हैंडल पे एक देखने के लिए मिला है कि कश्मीर के सपोर्ट में, वी सपोर्ट फॉर कश्मीर फ्रीडम या वी सपोर्ट फॉर कश्मीर स्ट्रगल करके पोस्ट किए जाने लगे हैं। इसका कई तरीके से विरोध हुआ, नेटिजन्स ने, ट्विटर्स ने, ट्विटराटी ने, फेसबुक ने, सभी ने इंडिया में कई तरीके से विरोध किया और बायकॉट KFC या बायकॉट हुंडई मोटर या बायकॉट डोमिनोज या बायकॉट पिज्जा हट शुरू किया गया और इसके बाद इनको बैकफुट पे आना पड़ा। हुंडई मोटर ने कहा कि हमारा जो पाकिस्तान हैंडल है वो हमारा कोई ऑफिशियल हैंडल नहीं है। सेम चीज डोमिनोज ने कहा, सेम चीज पिज्जा हट ने कहा, सेम चीज KFC ने कहा और उन सभी ने उसे डिलीट करवाया। ये हो सकता है, मान लीजिए मैंने फ्रेंचाइजी ली और फ्रेंचाइजी लेने के बाद मैं वर्क कर रहा हूं और फिर मैं अपना स्वतंत्र विचार अपने साइट पे रख सकता हूं, ऐसा हो सकता है। इसमें हो सकता है कि इन सब ऑर्गेनाइजेशन या इन सब ब्रांड की कोई जिम्मेदारी ना हो। ये डोमिनोज ने तो यहां तक कहा कि 25 साल से भारत हमारा घर जैसा रहा है तो हमारी ऐसी बातें नहीं है। तो खैर ये प्रशंसनीय है, हम ये नहीं कहते कि आप कश्मीर के सपोर्ट में या इंडिया के सपोर्ट में बोलिए, इंडिया के दूसरे के विरोध में बोलिए और इंडिया के सपोर्ट में, लेकिन हम ये भी कहते हैं कि एंटी इंडिया स्लोगन या एंटी इंडिया मूवमेंट मत करिए। यहां आप बाजारवाद में आए हैं, यहां मार्केट में आए हैं, तो मार्केट में आप प्रोडक्ट बेचिए और प्रोडक्ट बेचिए तो बस उतने तक अपनी जिम्मेदारी रखिए, ना हमारे एंटी इंडिया विरोध में बोलिए, ना सपोर्ट फॉर इंडिया कुछ बोलिए। राजनीति से हट करके आप अपने प्रोडक्ट और मार्केट की चीजों पर ध्यान दिए। तो ऐसे ही बात हो जाती है जैसे लगता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी यहां पे व्यापार करने के लिए और करने लगी राजनीति और उसके बाद शासन। लेकिन एक चीज गंभीरता से सोचने वाली बात है, जिस तरीके से ग्लोबलाइजेशन से चीजें बदल रही हैं, कई तरह की चीजों में बदलाव हो रहा है, आखिर एक ही साथ सारे विदेशी ब्रांड एक ही टॉपिक पे एक ही तरह के कमेंट उनके हैंडल जो विदेशी हैंडल है वहां से क्यों आने लगे? कुछ ना कुछ तो साजिश की बू आती है। अलग बात है ये लोग आगे जाकर के खंडन करते हैं बड़े बड़े नेताओं की तरह कि मैं, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, मैं इसका खंडन करता हूं या मैं माफी मांगता हूं, ठीक है। लेकिन एक चीज तो भारत ने बता दिया है बहुत अच्छे से कि हमारे मार्केट में ताकत है और ये मार्केट की ताकत बड़े बड़े ब्रांड को झुका सकती है और आसानी से झुका सकती है। बस इस ताकत को हमें और आपको बरकरार रखना है। हम नेटिजन्स हैं, हम अपनी ताकत को जानते हैं, हम कई चीजों में बदलाव कर सकते, वो सकारात्मक होने चाहिए, बुली ना करके, साइबर बुली ना करके। अगर बुली ही करना है तो इन्हें बुली किया जाए जो ये गलत तरीके के काम करते हैं, और सही तरीके से आप सरकार के इन्हीं कामों में कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करते हैं और भागीदारी करते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा चीज। यही तो है फायदा कि अगर जॉन सीना जैसे लोग एक छोटा सा स्टेटमेंट देते हैं कि ताइवान इज अ कंट्री, लेकिन जैसे उसे अपनी गलती का आभास होता है तो तुरंत वो अपनी बात को बैक ले लेते हैं कि उसे पता है कि चाइना में उसका विरोध किया जाएगा और विरोध करने के बाद उसके सारे जो ब्रांड एसोसिएट्स है उसे हटा दिया जाएगा इमीडिएट। तो ये होता है आज के बाजारवाद और इसकी ताकत। इस ताकत को बरकरार रखिए और इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट में बताइएगा कि ऐसे वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो मैं भी लाने का प्रयास करूंगा इस तरह के वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।